अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? और आप सबको भी एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। यहाँ वाले तो मुझे खैरियत से लग ही रहे, जो लोग मुझे देख रहे हैं टीवी पे वो भी खैरियत से ही होंगे। अच्छा जी, आज चांद रात है या नहीं है? क्या बात करें, एक रोजा और हमारे पास। ये बात गांव में याद रखिएगा, एक रोजा और हमारे पास। लेकिन कल चांद रात है क्या? आप आज भी चांद रात नहीं कह रहे, कल भी नहीं कह रहे, तो मगर परसों चांद रात है। हम ईद कब मना रहे हैं भाई? आप रोज ही मना किए जा रहे हैं यार, कितने रोज रखने हैं? कल चांद रात होगी जी आज। अच्छा ये तो खैर अल्लाह ताला जानता है, नो वंडर थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि भाई एकदम से चांद। कल का जो दूसरा क्वालिफायर हुआ है उसमें एक जगह मुझसे और मेरी टीम से गलती हुई है, वो ये कि जब जाके हमने क्लोज में देखा तो शायद मुझे कहीं से ऐसा फील हो रहा है और मेरी टीम को भी कि मीर जंगी नंबर पे थी, फिर खेलते हुए आए, जीतते हुए आए और सारी टीम्स को हरा के ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई। ये टीम जो थी ये अपनी टीम को छोड़ के चले गए। लेपर्स के सारे प्लेयर्स जो थे वो चले गए, उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। हमने कहा ठीक है, जो जाना चाहता है अपनी खुशी से चला जाए, गेम शो तो फिर भी होता रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है और ये तुम लोगों का बड़ा बने कि तुम लोग एंड में आके एक टीम का हिस्सा बने। टाइगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे शैज और उमेर, वो टीम है। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग की विनिंग टीम, हमारे नए चैंपियंस है टीम लेपर्स। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेपर्स के थे ब्रीफकेस में, 3 नंबर ब्रीफकेस में 10 लाख रुपए नहीं थे। गोरिल्लाज ने मुकाबला किया, लेकिन नसीब आप चेक करें उमेर का और शैज का, कि इनके नसीब में चैंपियन बनना लिखा था। वेल प्लेड गाइस, किस्मत ने साथ दिया, शाताज आई यहां पर, शाताज की किस्मत में चैंपियन बनना लिखा था और आमना पहली बार आई है और आगे चैंपियन बन के जा रही है। अच्छा जी, विनिंग टीम के साथ फ्रूटियन की तरफ से एक कार जाएगी और फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से भी एक कार जाएगी। जायों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज चांद नहीं हुआ है, सिर्फ ऑडियंस के साथ गेम शो होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, मिलके बोलेंगे कैसे चलेगा।